हेलो गाइस, पीएचजी का हमारे यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, कुछ दिन पहले इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन का, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो और फ्री फायर गेमिंग रिव्यू में पहले ही कर दिया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर या ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। सो वहां पर जाकर वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग गेम प्ले, जहां पर मैं मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेम को खेलने के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करूंगा। सो चलो गाइस, देखते स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम खेलने के साथ साथ गेम प्ले कैसा देखने के लिए मिलता है, लैगिंग और हीटिंग इशू होता है क्या नहीं। अभी गाइस देख सकते हो, मैं इन्फिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद गाइस यहां पर गेम मोड का फीचर्स आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। सो सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद यहां पर गेम मोड का जो फीचर्स है, यहां पर गाइस देख सकते हो बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है गेम मोड के अंदर, और यहां पर फ्री फायर वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन गाइस गेम मोड का जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स है, वो गाइस मैं अलग से एक वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने के मिलते हैं ये गाइस एक बार देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो साउंड क्वालिटी, यहाँ पर दो तरीके का ऑप्शन दिया गया है, साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मतलब कि आप आपके वॉइस के साथ साथ स्क्रीन का जो साउंड होता है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस पिक्चर क्वालिटी हाई, मीडियम और लो है। यहाँ पर हाई ग्राफिक्स के ऊपर मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करूंगा। सो हाई ग्राफिक्स मतलब यहाँ पर फुल HD प्लस होता है 1080p, और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर गेम को ओपन कर लिया। सो अभी ग्राफिक्स देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैं मैक्स ग्राफिक्स पर गेम को खेलूंगा, और जो सेंसिटिविटी और रेड डॉट है यहाँ पर वो भी गाइस देख सकते हो, सेंसिटिविटी 100 है, रेड डॉट है 94। सो फुल मैक्स ग्राफिक्स के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद गेम प्ले कैसा देखने के लिए मिलता है ये गाइस देखेंगे। सो यहाँ पर एक क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच में स्टार्ट कर दिया। अभी गाइस देखते हैं क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेम खेलने पर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने के लिए मिलता है, हीटिंग और लैगिंग इशू होता है क्या नहीं। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो क्लैश स्क्वाड मैच का पहला राउंड हो गया स्टार्ट। मैं आप लोगों को सीधा फाइट सीन के ऊपर ले चलता हूँ, और आप लोग गाइस गेम प्ले को ध्यान से देखते रहना। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी लैगिंग या फ्लेम ड्रॉप देखने के लिए मिला तो नीचे जरूर कॉमेंट करना। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो क्लैश स्क्वाड मैच का पहला राउंड के ऊपर हम आ गए, और मैं आप लोगों को सीधा फाइट सीन के ऊपर लेकर भी आ गया। सामने गाइस एक एनिमी है, इसको ओपी वाला 255 का वन टाप हेडशॉट मार दिया। नेक्स्ट एनिमी कहाँ है गाइस ढूंढते हैं, और कुछ देर बाद गाइस यहाँ पर मेरे को नेक्स्ट एनिमी भी मिल गया है, इसको भी एक ओपी वाला वन टाप हेडशॉट मार दिया। सो गाइस दो बुलेट पर दो एनिमी को मैं यहाँ पर ओपी वाला वन टाप मार दिया। गेम प्ले तो ठीक ठाक देखने के लिए अभी तक मिल रहा है, अभी तक कोई भी लैगिंग इशू देखने के लिए नहीं मिला मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम खेलने के बाद भी। लेकिन एक बंदा यहाँ पर मेरे को मार दिया। सो पहला राउंड के अंदर तो दो बंदे को वन टाइम मार दिया, लेकिन कुछ भी लैगिंग इशू देखने के लिए नहीं मिला। अभी गाइस हम दूसरा राउंड पर आ गए, और सामने गाइस देख सकते हो चार चार बंदा घूम रहा है खुले मैदान पे। दो बंदे को तो गाइस यहाँ पर हेडशॉट मार दिया था, लेकिन मैं ऊपर से गिर गया। सामने गाइस एक बंदा आ रहा है देख सकते हो, इसको एक ओपी वाला हेडशॉट के साथ नॉक कर दिया। और स्किन के ऊपर ये क्या आ रहा है मेरे को भी नहीं मालूम गाइस, स्किन के ऊपर एक ऐसा चीज़ आ रहा है ना जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा स्किन रुक जा रहा है और फायर भी बंद हो रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है, लेकिन सामने और एक एनिमी है गाइस देख सकते हो, इसको भी यहाँ पर हेडशॉट मारने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर गाइस जो AN94 कोई भी गन है पता नहीं मेरे को, ये गन गाइस मैं ले लिया। सामने वाले बंदे के ऊपर एम किया, ओपी वाला हेडशॉट भी मार दिया भाई साहब। इस लास्ट एनिमी अभी बच गया है, सो देखते हैं लास्ट एनिमी को मार पाता है कि नहीं। और यहाँ पर गाइस लास्ट एनिमी देख सकते हो ऊपर छुप कर बैठा है, इसको तो ओपी वाला बॉडी शॉट के साथ ही डाउन कर दिया। सो गाइस दो दो राउंड हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को लैगिंग इशू देखने के लिए नहीं मिला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर देख सकते हो थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है, मेरे सामने एक एनिमी है, इसको भाई यहाँ पर तो गाइस ने डाउन कर दिया भाई आपका भाई तो फ्री ऑफ प्लेयर निकला। यहाँ पर गाइस एक बंदे को डाउन कर दिया। सामने अभी भी गाइस तीन एनिमी हैं, सो देखते तीन एनिमी को मार सकते कि नहीं। अभी गाइस इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 ऑक्टा कोर 5G चिपसेट, और यहाँ पर 12 5G बैंड्स का यूज़ किया है इस बार इन्फिनिक्स ने, जो गाइस एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बोल सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन के इन्फिनिक्स ने बोला है शुद्ध 5G स्मार्टफोन। सो गाइस बहुत ही बढ़िया 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और आप आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि इस बॉक्स से निकलने के बाद ही इस स्मार्टफोन के ऊपर
5G कनेक्टिविटी को यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो गेम के अंदर तो लास्ट बंदा बच गया है, और जो तीसरा बंदा था उसको मारने जब गया था ना, बहुत ही तगड़ा वाला लैगिंग इसको देखने के लिए मिला गाइस, बहुत तगड़ा वाला लैग वहाँ पर हुआ था। मतलब गाइस थोड़ा सा लैगिंग इसी तो है इस स्मार्टफोन के ऊपर, अगर मैक्स ग्राफिक्स के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम खेलोगे तो लैगिंग इसे थोड़ा सा जरूर देखने के लिए मिलेगा। सो लैगिंग इसी स्मार्टफोन के अंदर है, लेकिन सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो AWM के एक बंदे को वन टाइम हेडशॉट मार दिया, AWM को वन टाइम नहीं सॉरी गाइस AWM के हेडशॉट मार दिया। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी ठीक ठाक बोल सकते हो, सेंसिटिविटी अच्छा खासा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, सेंसिटिविटी पर कोई भी इशू तो नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग के साथ गेम खेलने पर थोड़ा सा लैग देखने के लिए जरूर मिलेगा। और यहाँ पर तो गाइस 5th राउंड पर मैं 2 एनिमी को डाउन कर दिया, अभी भी सामने भाई 2 एनिमी बचा है, तो देखते हैं। यहाँ पर तो कोई भी लैगिंग इशू मेरे को अभी तक देखने के लिए नहीं मिला 5th राउंड के अंदर, लेकिन लैगिंग इशू इस स्मार्टफोन के अंदर है। अभी गाइस सामने 2 एनिमी है, राइट साइड पर देख सकते हो 2 एनिमी आ गया। अरे भाई ग्लोअल कितना देर लगा रहे, यहाँ पर थोड़ा सा लैग देखने के लिए मिला। सामने 2 एनिमी है, एक को डाउन करने का कोशिश करते हैं AWM से, अगर एक को डाउन कर दिया तो हो जाएगा भाई गेम फिर रहा है। और यहाँ पर भी गाइस देख सकते हो ग्लोअल बहुत ज़्यादा लेट यहाँ पर लग रहा है, एनिमी भी बहुत देर बाद डाउन हो रहा है। मेरा पिन यहाँ पर देख सकते हो ठीक ठाक ही पिन चल रहा है, 70-80 का पिन चल रहा है। लास्ट गाइस यहाँ पर एनिमी है, इसको ओपी वाला हेडशॉट के साथ मार दिया, हेडशॉट तो गाइस लग रहा है, सेंसिटिविटी ठीक ठाक है लेकिन लैगिंग इशू है। नेक्स्ट गाइस देख सकते हो 3-2 हो गया है राउंड, ये गाइस हमारे तो लास्ट राउंड होगा। मैच पॉइंट पर हम खड़े हैं, एक बंदे को डाउन कर दिया, दूसरे बंदे को भी गाइस यहाँ पर डाउन कर दिया AWM से। सो 2 बंदे को गाइस यहाँ पर मैं AWM से डाउन कर दिया। गेम प्ले ठीक ठाक देखने के लिए मिला है इस राउंड के अंदर भी, इस राउंड के अंदर गाइस अभी तक मेरे को लैगिंग इशू देखने के लिए नहीं मिला। लास्ट एनिमी गाइस बच गया है, नीचे गाइस देख सकते हो हमारा एक टीममेट को डाउन कर दिया, तो लास्ट एनिमी को मैं यहाँ पर मारने का ट्राई करता हूँ। मेरे पास भी AWM है, उसको एक OP वाला बॉडी शॉट के साथ मार दिया और वो यह हो गया है। सो गाइस लास्ट राउंड के अंदर भी गेम प्ले ठीक ठाक देखने के लिए मिला था, सेंसिटिविटी ठीक ठाक है लेकिन लैगिंग इशू, मैं फिर से बोल रहा हूँ गेम को अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलोगे तो लैगिंग इशू देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर लैगिंग इशू नहीं है। फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर आप जितना चाहे गेम खेल लो, आपको लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गेम रिकॉर्डिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम को खेलोगे तो लैगिंग इशू बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। सो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ इन्फिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन का गेम प्ले तो मैं यहाँ पर दिखा दिया, एक पूरा क्लैश स्क्वाड मैच मैं यहाँ पर खेल लिया 4v4 फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर, और मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेम खेलने से लैग नहीं होता, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अगर आप मैक्स ग्राफिक्स पर खेलोगे तो लैग होगा। सो अगर गाइस आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले करना चाहते हो तो मैं इस स्मार्टफोन को आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लैगिंग इशू देखने के लिए मिलता है। सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।